न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए निकलते हैं आज की खबरों पर। अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने की प्रेस वार्ता। फैजाबाद के नगर कोतवाली अंतर्गत खिड़की अली बेग आवासीय कार्यालय पर व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे देश में व्यापार करने व्यापारी समाज वर्ष भर व्यापार के साथ साथ अधिकतर व्यापार विभिन्न और ज़्यादा फेस्टिवल पर निर्भर रहता है और समाज के विभिन्न वर्गों के छोटे बड़े प्रमुख त्योहारों के अवसरों पर ही रोजगार पर है और निर्भर होते हैं। उनमें से धनतेरस दीपावली मुख्य रूप से है। बृहस्पतिवार बंदी के दिन धनतेरस पड़ने से अयोध्या क्षेत्र का व्यापार श्रम विभाग और गाइडलाइन के चक्कर में प्रभावित रहा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आज प्रेस के माध्यम से श्रम विभाग, व्यापार से जुड़े विभाग व प्रशासन समय रहते व्यापार से संबंधित व्यवस्था देने का कार्य करे, जिससे आगामी व्यापार प्रभावित ना हो और व्यापारियों के जीवन यापन में उनकी स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों तथा उद्यमियों व नागरिकों को बैंक द्वारा दिए गए कर्ज की अदायगी में पूर्व में कोरोना काल के समय कर्ज अदायगी की मासिक किस्तों को पूर्व में दिए गए 3 महीने के समय को अग्रिम 6 महीने बढ़ाने का कष्ट करें, जिसे व्यापारियों को राहत मिल सके। इस मौके पर शैलेंद्र सोनी, रामू जिला उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल, महानगर अध्यक्ष सहित पदाधिकारी रहे मौजूद। में और अध्याय क्षेत्र में जो समय के अनुसार या अवसर पर रोजगार, बहुत से ऐसे स्थिति आती है, चाहे वो होली दीपावली हो, धनतेरस हो, ईद बकरीद का अवसर हो, ऐसे अवसर पर मेला ठेला है, ऐसे अवसरों पर छोटे मोटे लोग, गांव देहात के लोग, गरीब दुर्बल लोग और बड़े लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, वो जितना वर्ष भर कमाते हैं उतना इन मेलों के तहत कमाकर अपना जीविका को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अपने घर को पालने पोसने का कार्य करते हैं। और पिछले दिन जो है धनतेरस हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को पड़ी बंदी के दिन है, तो श्रम विभाग का और शासन का एक ये भी होना चाहिए कि दिशा निर्देश पहले से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा होने की वजह से जनपद का व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित रहा।